गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल नहीं करवाया, लेकिन उसमें मैंने इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो फॉर्मूलाज है उनको समझाया है, उनका कंसेप्ट समझाया है। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी सिखाई है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है मैंने ये सिखाया आपको। किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये किसी प्लेन की इक्वेशन होती है। इसको मैंने आपको बताया है कि ये क्यों होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। फिर मैंने उसके बाद मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में आपको निकालनी सिखाई है। जब हमें किसी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है तब उस प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको निकालनी सिखाई है। अगर पी हमारे पास ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होता था तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आई थी, आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, और कार्टिजन फॉर्म में क्या आई थी मेरे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, अगर कोई पॉइंट गिवन है हमें उस पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। तो वो आई थी स्टूडेंट्स मेरे पास, आप देख सकते हो ये आई थी मेरे पास आर माइनस आर वन। सपोज करो आर वन क्या है मेरे पास, पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट जिसमें से प्लेन पास कर रहा है, यानी ए कोई पॉइंट है जिस में से प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और आर वन क्या उसका पोजीशन वेक्टर, और पी बी यानी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो उस पी बी यानी पॉइंट ऑन द प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या थी जो आर वन जिसका पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आर माइनस आर वन डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। ये थी हमारी वेक्टर इक्वेशन। और कार्टिजन इक्वेशन क्या आई थी स्टूडेंट्स मेरे पास, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन y1 वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, वेयर एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या था मेरे पास पासिंग पॉइंट, ए बी सी क्या थे डायरेक्शन रेस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स हम निकालना सीखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो थ्री पॉइंट्स। सपोज करो हमारे पास तीन पॉइंट गिवन है, ए है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी है एक्स टू वाई टू जेड टू, और सी है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। उस प्लेन की इक्वेशन जो इन तीन पॉइंट से पास होकर के जाएगा, सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ये कोई ए पॉइंट है, ए है मेरे पास जिसका पॉजिटिव वेक्टर है आर वन, और ये कोई मेरे पास पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है ओ, इसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर वन है पोजीशन वेक्टर, और बी है जो पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है आर टू है, और जो सी पॉइंट है स्टूडेंट्स मेरे पास इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है आर थ्री है। तो इस प्लेन की इक्वेशन जो इन तीन पॉइंट से पास हो रहा है ए बी और सी, और जिनके पोजीशन वेक्टर आर वन आर टू और आर थ्री है, इस प्लेन की इक्वेशन हम निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। अब सपोज करो ओ हमने पी कोई पॉइंट लिया इसी प्लेन पर, तीन पॉइंट तो हमारे पास ही है, पी बी दी अनदर पॉइंट ऑन दी प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर, पी हमने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया इस प्लेन के ऊपर, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स। इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहाँ से ए पी वैक्टर निकालूँ, ए पी वैक्टर, तो बाय ट्रेंगल ऑफ वैक्टर एडिशन क्या आएगा, ओ पी प्लस ए पी इज इक्वल टू किसके आएगा, ओ पी प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ ए आएगा स्टूडेंट्स, ओ ए, तो यानी ए पी आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास ओ ए माइनस ओ पी। ओ ए कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, ओ ए है मेरे पास स्टूडेंट्स मुझे ए पी चाहिए, तो ओ ए प्लस ए पी, ओ ए दो हम बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, हम दो साइड को सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ओ ए प्लस ए पी जो थर्ड साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू किसके आएगा, ओ पी के आएगा, तो हमारे पास ए पी आएगा
ओ पी माइनस ओ ए, तो ओ पी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास आर, माइनस ओ ए कितना है आर वन, तो यानी ये आया हमारे पास ए पी वैक्टर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मुझे ए बी निकालना है, ए बी वैक्टर अगर मुझे ए बी निकालना है तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी ओ बी प्लस ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी मेरे पास क्या आएगा, ओ बी आएगा स्टूडेंट्स, तो ए बी आएगा ओ बी माइनस ओ ए, ए बी आएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास आर टू, माइनस ओ ए कितना है आर वन, तो ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास ए बी। अगर मुझे स्टूडेंट्स ए सी निकालना है तो ए सी भी क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ए सी यानी मुझे पता है ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, तो यानी ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, तो ए सी आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ए सी आएगा ओ सी माइनस ओ ए, अगेन बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यानी ए सी आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास ओ सी, ओ सी कितना है आर थ्री, माइनस ओ ए कितना है आर वन, यानी मेरे पास थ्री वेक्टर आ गए। अब स्टूडेंट्स मुझे ये थ्री वेक्टर हैं, एक तो ओ ए, देखिए मेरे पास कौन कौन से वेक्टर हैं स्टूडेंट्स मेरे पास आप देख रहे हो, एक तो मैंने ए पी वैक्टर निकाला, एक ए बी निकाला और एक ए सी निकाला, यानी ए पी ए बी और ए सी। अब ये तीन वेक्टर हमारे पास एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में है। अब जब तीन वेक्टर को एक ही प्लेन में, यानी तीन वेक्टर या चार पॉइंट हमारे पास एक प्लेन में है, ए पी ए बी सी पी, यानी ये चार पॉइंट हो गए हमारे पास एक ही प्लेन में है। जब चार पॉइंट को प्लेनर होते हैं, यानी सिंस फोर पॉइंट्स आर लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन चार पॉइंट है जो एक ही प्लेन में है स्टूडेंट्स, सो फोर पॉइंट आर कोप्लेनर, सो फोर पॉइंट आर कोप्लेनर, फोर पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कोप्लेनर है। अब जब को फोर पॉइंट कोप्लेनर होते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, यानी हमारे पास यानी चार पॉइंट कौन कौन से है, पी ए बी सी, यानी हमारी एक की डॉट प्रोडक्ट अन्य दो की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आएगी, जीरो आएगी, यानी हमारे पास चार पॉइंट हैं और वेक्टर कितने हैं तीन, यानी तीन वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना है या चार पॉइंट को, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स एक की डॉट प्रोडक्ट अन्य दो की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किसके इक्वल करते हैं, जीरो के। आप याद कीजिए स्टूडेंट्स जब हमने 12.7 की थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम चार पॉइंट को कोप्लेनर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेक्टर निकालते हैं चार पॉइंट से वेक्टर बनाएंगे, जैसे ए पी बना लिया, ए बी बना लिया, ए सी बना लिया, चार पॉइंट से चार वेक्टर बना लिए। अब हमें चार पॉइंट से तीन वैक्टर बन गए ए पी ए बी और ए सी। अब हम तीन वैक्टर को कोप्लेनर दिखाना है तो एक की डॉट प्रोडक्ट अन्य दो की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, यानी ए ए बी क्रॉस ए सी के साथ किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल आएगी। यानी ए पी क्या है मेरे पास आर माइनस आर वन, और ए बी कितना है डॉट, ए बी है स्टूडेंट्स आर टू माइनस आर वन, और क्रॉस ए सी है आर थ्री माइनस आर वन, ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। इट मीन्स हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आर माइनस आर वन के वैक्टर, यहाँ आर टू माइनस आर वन के वैक्टर क्रॉस, यानी यहाँ पे हम तीन रो बनाएंगे, यहाँ पे आर वन आर माइनस आर वन के वैक्टर, फिर आर टू माइनस आर वन के वैक्टर लिखें, फिर आर थ्री माइनस आर वन के स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे और उसको जीरो के इक्वल करेंगे। यानी सबसे पहले मेरे पास ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी जब चार पॉइंट कोप्लेनर होंगे, क्योंकि ये चार पॉइंट कोप्लेनर है। तो यानी ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज वैक्टर इक्वेशन ऑफ, वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो कौन से थ्रो थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर आर वन आर टू आर थ्री, तीन पॉइंटों से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है आर वन आर टू और आर थ्री। तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ दी प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, अब देखिए मैंने तीन जो पॉइंट है वो कौन कौन से अज्यूम किए थे, यानी आर जो मेरे पॉइंट मेरे पास पी पॉइंट है वो मैंने जनरल पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कोई एनी पॉइंट ऑन दी प्लेन पी, लेट पी हमने एक्स वाई जेड अज्यूम कर रखा है,
और ए एज्यूम कर रखा है एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी एज्यूम कर रखा है स्टूडेंट्स एक्स टू वाई टू जेड टू, और सी एज्यूम कर रखा है स्टूडेंट्स एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे चाहिए यानी आर माइनस आर वन डॉट आर टू माइनस आर वन क्रॉस आर थ्री माइनस आर वन किसके इक्वल चाहिए, जीरो के इक्वल, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल चाहिए। तो आर वन वैक्टर इसका पी पॉइंट था, इसका जो पोजीशन वेक्टर आर वन आर था, तो आर किसके इक्वल आएगा यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी तरह से इसका आर वन था तो आर वन आएगा हमारे पास एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। इसी तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास आर टू आएगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, और इसी तरह से स्टूडेंट्स आर थ्री भी मेरे पास यही आएगा एक्स थ्री आई वाई थ्री जे प्लस जेड थ्री के। तो हमें चाहिए क्या, आर माइनस आर वन, आर माइनस आर वन मीन्स एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन आ जाएगा, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं यानी एक्स माइनस एक्स वन आर माइनस आर वन के वैक्टर लिखेंगे या स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, फिर वाई माइनस वाई वन आ जाएगा और जेड माइनस जेड वन। फिर चाहिए आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन इसमें से इसको माइनस करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन आएगा स्टूडेंट्स, यानी आर टू माइनस आर वन क्या आएगा अगर हम इस तरह से लिखें आर टू माइनस आर वन, वो आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास आर टू के क्या है मेरे पास एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप। लेकिन जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें तो हम कंपोनेंट लिखेंगे सिर्फ, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। इसी तरह से आर थ्री माइनस आर वन चाहिए, आर थ्री ये है स्टूडेंट्स और आर वन ये है, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन आ जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, जीरो के। तो दिस इज आर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब इसको एक्सपेंड करेंगे जो आएगी वो हमारे पास आएगी कार्टेशियन इक्वेशन। सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, अब स्टूडेंट हम करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं, सपोज करो स्टूडेंट्स ये मेरे पास कोई प्लेन है, ये सपोज करो इस प्लेन ने एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या होता है यानी एक्स एक्सिस पर कितना कट किया, कोई प्लेन ने एक्स एक्सिस पर सपोज करो यहाँ पे ए इंटरसेप्ट किया, यानी जो यहाँ ये लेंथ है वो कितनी कट किया एक्स एक्सिस पर ए, और वाई एक्सिस पर ये लेंथ कितनी ली बी, और जेड एक्सिस पर ये लेंथ कितनी ली सी। तो सपोज करो ये ए बी, ये ए ये बी और ये सी, ये हमारे पास प्लेन है, ये स्मॉल ए बी सी क्या है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो क्या है ए जीरो जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, बी पॉइंट है ये जीरो बी जीरो क्योंकि ये इतनी लेंथ बी है, और जो सी पॉइंट है स्टूडेंट्स ये क्या आएगा जीरो जीरो सी, यानी ये एक्स एक्सिस पर एक्स ए इंटरसेप्ट किया, वाई एक्सिस पर बी और जेड पर सी। तो ये हमारे पास क्या आया यानी तीन पॉइंट आए ए बी सी। अब इस प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है, अब हमें पता है स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल ए एक्स, हमने एज्यूम कर रही लेट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन एज्यूम कर ली क्या यानी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये जो प्लेन है इन तीन पॉइंट से पास हो रहा है तो यानी ये तीन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, सिंस प्लेन पास थ्रो कौन कौन से थ्री पॉइंट है स्टूडेंट्स ए जीरो 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 बी जीरो और सी जीरो जीरो सी से पास हो रहे तीन पॉइंट से, तो इट मीन्स यानी ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे यानी यहाँ इसको सेटिस्फाई करेंगे
सो ये प्लेन इस इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंटरसेप्ट बना रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स की वैल्यू ए, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रखेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे ए, वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो, यानी ए ए प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये डी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कैपिटल ए आ जाएगा हमारे पास माइनस डी अपॉन ए। इसी तरह से जीरो बी, जीरो बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी ये हमारे पास वाई की वैल्यू बी रखेंगे, बाकी जीरो रखेंगे, यानी बी बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसी तरह से बी इज इक्वल टू, यानी कैपिटल बी इज इक्वल टू आएगा माइनस का डी अपॉन बी, ये वन में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी ये आ जाएगा कैपिटल सी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कैपिटल सी आएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल सी माइनस का। तो ये ए बी और सी ये तीनों वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यानी ए की वैल्यू क्या रखो स्टूडेंट्स, माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस डी एक्स अपॉन, यहाँ पे रख रहा हूँ ए बी सी की वैल्यू, माइनस डी एक्स अपॉन ए, यहाँ पे माइनस डी वाई अपॉन बी आ जाएगा बी की वैल्यू, और जेड सी की वैल्यू आएगी माइनस डी जेड, ये जेड जेड एज इट इज अपॉन स्मॉल सी इज प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस डी कॉमन आ गया ऊपर से, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, और यहाँ पे माइनस प्लस का डी है उस साइड आके, माइनस का डी हो गया, तो इससे ये कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो यानी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, ये क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट किया है, बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास यह वाई इंटरसेप्ट, और सी क्या है स्मॉल सी है जेड इंटरसेप्ट, यानी जेड एक्सिस पर कितना कट किया है। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक्सरसाइज का, ये इस साइड में देख सकते हैं। और ये लास्ट पेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार मैं फिर सभी फार्मूलाज आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट है हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये है स्टूडेंट्स। और हमारे पास नंबर दो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी, वेक्टर इक्वेशन इसी जर्नल इक्वेशन की वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या, ये मैंने आपको निकाल के सिखाई थी स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाई थी, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या, मैंने ये आपको बताया था, ये देखिए स्टूडेंट्स आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या, ये मैंने बताई थी, यानी इस जो ये जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन है इसकी हमारी हमारे पास ये क्या है, इसकी वैक्टर इक्वेशन है आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या, ये मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन सिखाई थी आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो यानी ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये है कार्टेशियन इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं समझ आए वो सिर्फ इन फॉर्मूलाज को करके भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जो स्टूडेंट्स कंसेप्ट नहीं करना चाहते वो जस्ट फॉर्मूलाज को देखें। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में क्या आई थी, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, वेयर पी क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन। अब इसी की जो हमारे पास
ये थी हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, और इसी की हमारे पास कार्टिजियन फॉर्म क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यही थी स्टूडेंट, इज इक्वल टू पी। अब थर्ड था स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्रू ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक पॉइंट पी है सपोज करो, एंड नॉर्मल टू यानी परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल टू यानी एन वेक्टर क्या है, ए आई बी जे सी के। तो ये पी पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर हमने क्या लिया, आर, यानी इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, आर, यानी आर वेक्टर है मेरे पास एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस, यानी आर वन है इसका पोजिशन वेक्टर, पी पी पॉइंट है इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, आर वन, आर वन लिया स्टूडेंट्स जेड वन के, हमने आर वन लिया था। तो इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट, जो किसी पॉइंट से पास करा जिसका नॉर्मल ए है, तो आई थी हमारे पास वैक्टर इक्वेशन थी हमारे पास आर माइनस आर वन डॉट एन इज, एन इज इक्वल टू क्या हो, एन वैक्टर है इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ये थी हमारे पास। और कार्टिजियन इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, कार्टिजियन इक्वेशन ये वैक्टर थी, वैक्टर इक्वेशन, और ये थी कार्टिजियन इक्वेशन क्या थी, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, जहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन पास पासिंग पॉइंट ए बी सी हमारे पास नॉर्मल था। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आई थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट क्या थी स्टूडेंट्स, सपोज करो मेरे पास तीन पॉइंट क्या थे, ए था एक्स वन वाई वन जेड वन, बी था एक्स टू वाई टू जेड टू, और सी है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। तो क्या आई थी वो इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी वो आई थी कार्टिजियन इक्वेशन आई थी स्टूडेंट्स, कार्टिजियन, मैं कार्टिजियन से करवाऊंगा स्टूडेंट्स आपको सम, तो आप कार्टिजियन को ध्यान से देखें, यानी वो आई थी एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, और तीसरी आई थी एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। और अगर इसकी वेक्टर आप पूछना चाहते हो तो वेक्टर इक्वेशन क्या आई थी स्टूडेंट्स हमारे पास, वेक्टर इक्वेशन आई थी हमारे पास आर माइनस आर वन डॉट बी वन आर टू माइनस आर वन क्रॉस आर थ्री माइनस आर वन इक्वल टू क्या आई थी जीरो, तो ये आई थी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन फिफ्थ हमने की थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या आई थी स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, वी आर ए बी सी आर दी इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। अब एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो थी, और हमने जब इसकी कार्टिजियन से वेक्टर बनाई थी तो एक्स वाई जेड को हमने आर एज्यूम किया था, आर, और ए बी सी को क्या था एन, आर डॉट एन, और प्लस का डी उस साइड आके क्या हो गया था माइनस का डी, तो माइनस का डी और आर डॉट एन और माइनस डी को हमने क्या एज्यूम कर लिया था, वेयर डी माइनस डी इज इक्वल टू क्या, ऐसा ही किया था स्टूडेंट्स। तो यानी ये थी हमारे पास वेक्टर इक्वेशन, यानी कार्टिजियन से वेक्टर बनाना कितना आसान है। देखिए आर क्या था मेरे पास, कोई भी पॉइंट था एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और एन हमारे पास था नॉर्मल ऑफ द प्लेन यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर आप स्टूडेंट्स आर डॉट एन करोगे और देखिए करके देखें, एक्स आर डॉट एन यानी आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या है, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू क्या,
इज इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ए एक्स आ जाएगा प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यही आ जाएगा, और प्लस का क्यू इस साइड आके माइनस का क्यू, माइनस के क्यू की वैल्यू को हम डी लिख सकते हैं। तो वही सेम इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, यानी सिंपल से मुझे वेक्टर से कार्टिजन बनानी है या कार्टिजन से वेक्टर बनानी है सिंपल से। जैसे मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 है, तो इससे वेक्टर इक्वेशन बनानी। तो एक्स वाई जेड तो मेरे बन गया आर, आर डॉट, और ये बन गया एन, एन क्या आएगा 2y प्लस 3j, यानी इसके साथ एन के साथ आई जे के लग जाएंगे, जैसे हमने ए बी सी के साथ है आई जे के, प्लस 4k, और ये प्लस का 5 एज इट इज इक्वल टू 0। यानी कार्टिजन से वेक्टर बनाना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। आप डायरेक्ट एक्स वाई जेड को आर एज्यूम करेंगे और 2i 3j 4k, यानी ये आ जाएगा हमारे पास एन वेक्टर, और प्लस 5 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कार्टिजन से हम वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। कार्टिजन इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हूज वेक्टर इक्वेशन इज दिस, जिसकी वेक्टर इक्वेशन ये है। तो यानी वेक्टर इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में वो है स्टूडेंट्स आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्स आई आर तो फिक्स रहता है हमारे पास, प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 1। तो i डॉट i 1 आ जाएगा 2x, j डॉट j 1 प्लस 3y प्लस k डॉट k 1, और ये आ जाएगा माइनस का जेड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आर कार्टिजन इक्वेशन। सिंपल से मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड लगा दिया बस डायरेक्ट, यानी इससे दोबारा से हम वेक्टर बनाते हैं एक्स वाई जेड को आर, 2y 3j माइनस 1k, वही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, अब हमें कार्टिजन दे रखे उससे वैक्टर बनानी है। तो कार्टिजन इक्वेशन क्या है, कार्टिजियन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो वेक्टर इक्वेशन वेरी सिंपल है, वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड को हम करेंगे आर एजूम डॉट, ये इसके आगे 1 है तो 1i माइनस 2j प्लस 3k और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। दिस इज आर वेक्टर इक्वेशन। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये देखिए आप लोग, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन, यानी ओरिजन से डिस्टेंस दे रखा है। अब ओरिजन से डिस्टेंस को हम क्या एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, पी एज्यूम करते हैं, यानी पी कितना है 4 यूनिट, और नॉर्मल ऑफ द प्लेन दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है। तो नॉर्मल क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एन वैक्टर दे रखा है हमारे को 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। और हमारी नॉर्मल, अगर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में आएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है स्टूडेंट्स, आर डॉट हमारे पास एन इज इक्वल टू क्या, ये होती है आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, यही होती है ना स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म में, जब हमारे को पी का पता हो तो ये होती है। तो यानी एन कैप निकालना पड़ेगा मुझे, तो एन कैप हमें निकालना आता है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, यानी एन कैप वैक्टर एन अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे निकलता है स्टूडेंट्स एन कैप। तो एन कैप आएगा वैक्टर एन यानी 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एन कैप आएगा स्टूडेंट्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और 36 और 9 45 और 4 49, 49 का रूट आया 7। तो एन कैप आया हमारे पास, ये आ गया स्टूडेंट्स एन कैप। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन कैप, एन कैप कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7 इज इक्वल टू पी, पी कितना है 4। तो स्टूडेंट्स रख दी हमने वैल्यू, तो 7 को उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 7 4 जा 28। तो ये आई हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। वो कहता है अगेन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस। अब अगेन सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है, पी दे रखा है हमारे को 6 अपॉन रूट 29, और नॉर्मल क्या दे रखा है 2i
माइनस थ्री जे प्लस फोर के कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एन कैप निकालेंगे इसके लिए हम, यानी टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। तो एन कैप आया स्टूडेंट्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन चार नौ तेरह, नौ और चार तेरह, और नौ और चार तेरह और सोलह उनतीस, रूट ट्वेंटी नाइन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी r डॉट n इज इक्वल टू p है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए r कितना है मेरे पास एज इट इज, डॉट n कैप है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन रूट ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू p, p कितना है सिक्स अपॉन रूट ट्वेंटी नाइन, तो रूट ट्वेंटी नाइन से रूट ट्वेंटी नाइन कैंसिल, तो ये आया r डॉट टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल टू सिक्स। तो दिस इज आर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बुक में आंसर है वो ये है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ ये आंसर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ सकते हो, टू अपॉन रूट ट्वेंटी नाइन अलग से कर दें, माइनस थ्री अपॉन रूट ट्वेंटी नाइन और फोर अपॉन रूट ट्वेंटी नाइन अलग से कर सकते हैं। तो वेक्टर बुक में अगर आपको आंसर मैच करना है, अदरवाइज ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा है देखिए थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस फाइव यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजन एंड हैज माइनस वन टू टू एज डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू इट, यानी ओरिजन से डिस्टेंस दे रखा है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, यानी ओरिजन से डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम पी बोलते हैं, पी दे रखा है हमें फाइव यूनिट्स और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स माइनस वन कोमा टू कोमा टू, तो नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के। अब स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जिसका हमें पी पता है और एन पता है, और वेक्टर इक्वेशन निकालने, तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए एन कैप चाहिए, क्योंकि मुझे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता है तो मुझे एन कैप का पता होना चाहिए, क्यों आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी होती है हमारे पास इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आएगी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, यानी एन कैप पता होना चाहिए, तो एन कैप आएगा वैक्टर टू माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आएगा माइनस वन का स्केयर प्लस टू का स्केयर प्लस टू का स्केयर, यानी आया माइनस वन आई अपॉन चार चार आठ एक नौ, यानी नौ का रूट थ्री और प्लस टू जे अपॉन थ्री आ जाएगा और प्लस टू के अपॉन थ्री। तो स्टूडेंट्स आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, आर क्या है मेरे पास एज इट इज, एन कैप आया माइनस आई बटे थ्री प्लस टू जे अपॉन थ्री प्लस टू के अपॉन थ्री, ये एन कैप आया इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू है फाइव। अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा उसने, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज दिस, ये वेक्टर इक्वेशन है वेयर ये क्या है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है स्टूडेंट्स इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालें फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स यानी गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन है हमारे पास आर डॉट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप इज इक्वल टू नाइन, तो हमें पी निकालना है, और पी कैसे निकलता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ए है, ए की वैल्यू कितनी है टू, बी की वैल्यू माइनस वन और सी की वैल्यू टू, क्योंकि ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, और पी मैंने आप ध्यान कीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो में जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था तो आपको मैंने आप लोगों को मैंने पी के निकालने का फार्मूला बताया था, ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, पी क्या था मेरे पास डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा हमारे पास क्या पी, यानी पी निकालने का फार्मूला ये देखिए, ये हमारे पास डी है तो यानी पी कितना आएगा सीधा डायरेक्ट डी अपॉन नाइन, यानी नाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर, यानी आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या है ये उस तरह की फॉर्म है,
तो डी यानी डी की वैल्यू कितनी है 9, तो डी अपॉन रूट ए स्केयर, ए स्केयर कितना है 2 का स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो यानी ये आएगा पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 9/4 और 4 8 एक 9 3, 9 का रूट 3 आया 3 3 9, तो यानी पी हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 3 यूनिट्स, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आया 3 यूनिट्स। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एन वैक्टर है, एन वैक्टर को दोनों साइड हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी और हम इस तरह से भी कर सकते हैं आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9 है, तो दोनों साइड हम क्या करें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया 2 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, और यहाँ पे भी दोनों साइड 2 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो ये आर डॉट ये बन जाएगा एन कैप वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वो एन कैप हो जाएगा स्टूडेंट, यानी आर डॉट एन कैप बन गया, लेकिन फिर वैक्टर अपॉन जब आर डॉट एन कैप बन गया तो इस साइड में क्या बन जाएगा हमारे पास पी, तो यानी ये आ जाएगा पी, तो यानी 9/3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी की फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे पास आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी की फॉर्म होगी, यानी हमारे पास पी क्या आएगा 9/3 आया, 3 3 9 3 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, सेम फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, जो प्लेन का जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, यानी देखिए स्टूडेंट्स गिवन प्लेन है हमारे पास, गिवन प्लेन है हमारे पास आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 2k कैप, और ये प्लस का 1 है उस साइड आके माइनस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी ये आ गया हमारे पास आर डॉट 6i माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट माइनस 1 के इक्वल आएगा। अब मैंने कहा था इस साइड में अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डॉट हमें इस तरह की फॉर्म बनानी है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर क्या होगा नॉर्मल होगा, यानी जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स वो मेरे पास नॉर्मल वाली लाइन ही होगी, क्योंकि नॉर्मल भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से होगा नॉर्मल के पैरेलल होगा, यानी नॉर्मल और या हम ये भी कह सकते हैं यानी ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर ये है, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर होगा हमारे पास वो नॉर्मल के पैरेलल होगा, यानी उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, ये नॉर्मल है हमारे पास। अब परपेंडिकुलर निकालना है पी निकालना है, तो इसको पी को पॉजिटिव करना, तो माइनस माइनस को हम इस साइड में ले आएंगे, यानी आर डॉट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ये माइनस का 6i, ये प्लस का 3j हो जाएगा और प्लस का 2k, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं नॉर्मल के, नॉर्मल के ही निकालने ना, उसने कहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी यही होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल वाली लाइन ही होती है परपेंडिकुलर प्लेन से, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने, यानी ए बी सी हमें डायरेक्शन रेशो पता है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय किससे, यानी रूट माइनस 6 का स्केयर, ये ए बी सी है प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, यानी 36 और 9 45 और 4 49 का रूट आया 7, यानी 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये आया स्टूडेंट्स आर डॉट माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 7, और यहाँ पे 1/7, यानी आर डॉट एन इज इक्वल टू ये आया हमारे पास आर डॉट, ये इस तरह की फॉर्म बन गई एन कैप इज इक्वल टू पी, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर हो गया जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल कहेंगे हम, जो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब उसके डायरेक्शन कोसाइन ये ए अपॉन, देखो ये ए बी सी थे तो ये अपॉन ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, ये ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, तो यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल कितने आ गए स्टूडेंट्स, यानी माइनस 6/7, 3/7 और 2/7। अगर वो कहता परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो वो आ गया 1/7। स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग, यानी 2x प्लस
3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है, यानी ये ए बी सी ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशन स्टूडेंट। अब डायरेक्शन को साइन निकाले हैं तो डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट टू का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर प्लस माइनस वन का स्केयर, यानी चार नौ और चार तेरह और एक चौदह रूट फोर्टीन से, यानी रूट फोर्टीन क्या है, ये ए स्केयर है, ये प्लस बी स्केयर है, ये प्लस सी स्केयर, सारे का स्केयर रूट है, यानी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आएगा टू अपॉन रूट फोर्टीन एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट फोर्टीन वाई माइनस वन जेड अपॉन रूट फोर्टीन इज इक्वल टू फाइव अपॉन रूट फोर्टीन। अब स्टूडेंट ये पोस्ट ही था ऑलरेडी, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या है, ए अपॉन रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर है, तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया स्टूडेंट्स, यानी टू बाय रूट फोर्टीन, थ्री बाय रूट फोर्टीन और माइनस वन बाय रूट फोर्टीन, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।